मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो कि खाने से पहले प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। वे अक्सर हाथ पैर धोते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन मसीह भाई बहनों के लिए ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारी हर एक घटी कमियों को प्रभु ही पूरा करता है। चाहे वो धन की या खाने की या कोई भी चीज़ की घटी कमी हमारे जीवन में होती है, तो प्रभु ही हमारे जीवन में उन सारी घटी कमियों को पूरा करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग हर एक कार्य को करने से पहले प्रभु का धन्यवाद करें। चाहे जो कुछ भी आप करें उस कार्यों में प्रभु का धन्यवाद करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो में हम खाने से पहले हमें किस तरीके से प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ताकि प्रभु हमारे खाने पर आशीष दे, वही प्रार्थना हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रार्थना को सीखते हैं। और आप लोग हमारे पीछे पीछे बोल सकते हैं, या तो इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं या प्रार्थना को लिख सकते हैं। तो आइए मेरे पीछे पीछे दोहराइए इस प्रार्थना को कि हमें खाने से पहले किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भोजन के लिए जो आपने हमें दिया है, क्योंकि प्रभु जी बहुत लोगों को भोजन नहीं मिलता और आपने हम पर अपना अनुग्रह किया और अपना दया वर्षा और हमें भोजन दिया। मेरे प्रभु, आप आइए और मेरे साथ भोजन करिए। हे मेरे पिता, आपके दिए हुए इस भोजन पर अपनी आशीष दे और अपनी मसा करें। और प्रभु जी, जब हम इस भोजन को खाएं तो हमें संतुष्टि मिले और हमारे शरीर में कोई हानि ना पहुंचाए, बल्कि फायदा करे। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमारे इस भोजन पर आशीष दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग इस तरीके से प्रार्थना करिए, और जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने खाने पर आशीष को मांगते हैं और प्रभु हमारे इस खाने पर आशीष को देता है, तो आप लोग उन खाने को बर्बाद मत करिए, क्योंकि प्रभु उन पर आशीष देता है। अगर आप उन खाने को वेस्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो आप प्रभु की आशीष को बर्बाद करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप उन खाने को बर्बाद नहीं करें, क्योंकि बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु ने आपको दिया है, इसलिए आप प्रभु की आशीष को बर्बाद नहीं करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबको अगले नए वीडियो में मिलते हैं। सबको जय मसीह की।